Assalamualaikum. We are a student, second year mathematics. Second year mathematics MCQs 2017 को आज हम सॉल्व करेंगे. बट इससे पहले हमने आपको लेक्चर सीरीज चैप्टर नंबर 8 पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के चंद लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड किए. और आज हम आपको जो है वो MCQs 2017 के MCQs कराते हैं. और इससे पहले हमने 2016 और 2015 के MCQs जो है वो अपलोड किए थे. वी होप वो लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे. हम बारहा कह चुके इन वीडियोस का फ़ायदा आप उससे उठा सकते हैं कि कोई MCQs आप कर रहे हों, आप समझते हैं वो MCQ आपको आता है, तो इस वीडियो को स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए, खुद अटैम्प्ट करें और आप फिर इसको रन करके चेक करें आपने जवाब सही किया या नहीं. अगर आप समझते हैं कि ये क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़ा या आपको नहीं आता, तो उसे कंप्लीट करके देखें और उसको समझ नोट डाउन करें, उसको समझें. तो और इन वीडियोस को अगर आप से आप एडवांटेज उठा रहे हैं तो बेटा ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं आपको ये वीडियोस कैसी लगी है. ये बताएं कि हम इन वीडियोस में और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. थैंक यू. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर, ये लास्ट 10 ईयर्स के पेपर से मौजूद हैं. इन पेपर्स में आज हमने सिलेक्शन किया है 2017 मैथमेटिक्स, इसके MCQs हम कंटिन्यू करते हैं. आप कोई भी 5 years ले लें किसी भी पब्लिशर का, उनमें तमाम MCQs सिमिलर ही लिखे होंगे. आ बेटा, इसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, एफ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देन एफ प्राइम 16, ये आपको मालूम करना है. एफ प्राइम 16 ये आपको मालूम करना है. ये क्वेश्चन है फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, ये आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स, देन एफ ऑफ 16, फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है 16 पर. रियल नंबर टू रियल नंबर, तो ये रियल नंबर का एक सेट बना लें, ये दूसरे रियल नंबर का सेट है, इनके दरमियान फंक्शन डिफाइन होता है. यहाँ कौन से नंबर हो सकते हैं, एनी रियल नंबर. यहाँ कौन से नंबर आ सकते हैं, एनी रियल नंबर. और फंक्शन का फार्मूला है, फंक्शन की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स. आपको एक्स की वैल्यू 16 पुट करनी है, एक्स इक्वल टू 16, तो फंक्शन ऑफ 16 लिखेंगे और ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाएगा. और 16 का स्क्वायर रूट आपको बेटा मिलेगा प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन फंक्शन के केस में आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिप्लेस करनी है. एफ ऑफ 16 ये बराबर मिलेगा आपको 4 के बराबर हासिल होगा. जब भी स्क्वायर रूट से रिजल्ट निकालें इन केस ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन ही प्लस पे होता है, तो ये प्लस 4 इज द करेक्ट आंसर. हाँ बेटा, इसका अगला पार्ट देखते हैं. लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स टेन एक्स, इसकी वैल्यू मालूम करनी है. तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन कॉस टेन एक्स आ जाएगा. ठीक है, अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, एक्स की जगह 0 लिखेंगे, साइन 0 0 के बराबर होता है, एक्स की जगह 0 लिखें टेन 0 0 के बराबर होता है, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाएगी, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. इसको यूँ भी लिखा जा सकता है थ्योरम बनाने के लिए कि ये साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा गया और टेन एक्स अपॉन एक्स रिप्लेस कर दिया गया, साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा. अगर मैं लिमिट को सेपरेट कर देता हूँ, लिमिट साइन एक्स थ्योरम के तहत लिमिट अपर पार्ट के लिए अलग हो गई, लिमिट लोअर पार्ट के लिए अलग हो गई, लिमिट अपर पार्ट के लिए अलग हो गई, लिमिट लोअर पार्ट के लिए अलग कर दी गई. और ये आपने थ्योरम पढ़ा, थ्योरम आपने पढ़ा है कि साइन एक्स अपॉन एक्स बाय थ्योरम 1 के इक्वल है
और ये भी एक्सप्रेशन बाय थ्योरम वन के इक्वल है बेटा, वन अपॉन वन इसकी वैल्यू वन के बराबर होगी। तो आई होप ये क्लियर होगा, इसका ये जवाब वन के बराबर हो जाएगा। और पार्ट इसके देखते हैं हम, यहाँ आपसे इसका थर्ड पार्ट पूछा गया और ये थर्ड पार्ट में है एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन सर्कल कर्व। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर वन वाई की पावर वन आ रही हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर वन और वाई की पावर वन आ रही हो। तो ये लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हर लीनियर इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ जो लीनियर इक्वेशन है ये बेटा लाइन को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। यू मस्ट रिमेंबर। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और इसका क्या मालूम करना है, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है। ये कर्व की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन। और एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने करना क्या है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है वाई को फायर करते हुए, मतलब वाई को ज़ीरो करते हुए जो एक्स की वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज़ को क्या कहेंगे हम, एक्स इंटरसेप्ट का नाम देंगे। वाई की जगह ज़ीरो रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, फैक्टराइज कर दें, सिक्स के फैक्टर करें, सब्ट्रैक्ट करने पर वन आ रहा हो तो सिक्स के फैक्टर थ्री टू ज़ा सिक्स हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस का थ्री एक्स, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे माइनस टू एक्स माइनस का सिक्स। तो बेटा ये एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स प्लस थ्री और ये ज़ीरो, एक्स प्लस थ्री और ये एक्स माइनस टू, टू टर्म मल्टीप्लाई हैं, प्रोडक्ट आइधर मालूम कर लें और लिख लें एक्स प्लस थ्री इसका जवाब ज़ीरो आ जाएगा, एक्स माइनस टू इसका जवाब ज़ीरो है। तो बेटा एक्स की एक वैल्यू माइनस थ्री आ गई, एक्स की दूसरी वैल्यू टू आ गई। इन्हीं दो वैल्यूज़ को, थ्री को और टू को नाम देंगे एक्स इंटरसेप्ट का नाम दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट माइनस थ्री एंड टू, माइनस थ्री एंड टू, ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा बेटा, अब आपसे पूछा जा रहा है द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम द लाइन विथ स्लोप थ्री एंड विद द लाइन स्लोप फाइव, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। क्या मालूम करना है, मेजर ऑफ एंगल, एंगल मालूम करना है किसके दरमियान, अ लाइन, एक लाइन से लेकर दूसरी, टू द लाइन, दूसरी लाइन तक का एंगल मालूम करना है। तो यहाँ पे हम ये लाइन नंबर वन हम ले लेते हैं, लाइन एल वन, और ये हमारे पास एक सेकेंड लाइन है, लाइन एल टू ले लेते हैं। इसके स्लोप को एम वन का नाम दे दें, इसके स्लोप को एम टू का नाम दे दें। अब कहा जा रहा है मेजर ऑफ एंगल, एंगल मालूम करना है, उस एंगल को थीटा मान लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप थ्री, इस लाइन का स्लोप थ्री के बराबर, टू द लाइन विथ स्लोप फाइव, इस लाइन का स्लोप फाइव के बराबर है। अब इम्पॉर्टेंट बात है डायरेक्शन के, एंगल कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो बेटा कहा जा रहा है फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप थ्री, एंगल शुरू करना है उस लाइन से जिसका स्लोप थ्री है। फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप थ्री, स्लोप थ्री के लाइन से स्टार्ट करना है, टू द लाइन, सेकेंड लाइन तक का ये स्लोप मालूम करना है। फ्रॉम अ लाइन स्लोप थ्री, मतलब थ्री वाली लाइन से, स्लोप थ्री रखने वाली लाइन से आपने एंगल को स्टार्ट करना है। आप जानते हैं इसका फार्मूला टेन थीटा, इसका फार्मूला बताएं, एंगल कहाँ पे एंड हो रहा है, लाइन टू पर जिसका स्लोप एम टू है, उसको हम पहले लिख लेंगे। एंगल कहाँ पे एंड हो रहा है, लाइन टू पर इसका स्लोप एम टू है, उसको पहले लिख लेंगे। एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन एम टू लिखा जाएगा। अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, टेन थीटा बेटा एम टू की वैल्यू डायग्राम में फाइव के बराबर, एम वन की वैल्यू थ्री है, वन प्लस एम वन की वैल्यू थ्री है, एम टू की वैल्यू फाइव आ गई, फाइव माइनस थ्री टू पढ़ा जाएगा, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन और वन सिक्सटीन आ जाएगा। और हम बात करते हैं यहाँ पर, ये टेन थीटा ये मिला आपको टू अपॉन सिक्सटीन, ये टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे बताते हैं, टू वन ज़ा टू
2 8 16, आपको एंगल मालूम करना है, थीटा शिफ्ट कर देंगे, टेन इनवर्स 1/8, तो इसका जवाब आएगा टेन इनवर्स 1/8 आ जाएगा। अब आए इसके बाद, ये जो है हम इसका सिक्स पार्ट, टू स्ट्रेट लाइन 2x² माइनस 16xy प्लस 2y² आर परपेंडिकुलर हैं, कॉन्सिडेंट हैं, पैरल हैं, नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरल, ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x² माइनस 16xy प्लस ऑफ 2y² इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा बेटा, हेयर इसे कंपेयर कर ले हम ax² प्लस ऑफ 2hxy प्लस ऑफ by², ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, रिप्रेजेंट करती है टू लाइंस को, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं, ABC की वैल्यू, A की वैल्यू 2 हो गई, 2H की वैल्यू 16 आ गई, B की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, बेटा H की वैल्यू क्या आ गई, 8 के बराबर आ गई। अब पहली बात, इफ़ A प्लस B अगर 0 आ जाए तो लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। अब बताएं A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 2, क्या इनका सम 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। नंबर 2, कॉन्सिडेंट, अगर आपके पास h² माइनस ab का जवाब 0 आ जाए तो बेटा लाइन कॉन्सिडेंट होती हैं, h की जगह 8 का स्क्वायर माइनस a के माने 2 b के माने 2 इज इक्वल टू 0, ये भी 16 माइनस 4 ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा, तो ये कॉन्सिडेंट नहीं होंगी। और तीसरी कंडीशन जो है वो, तो ये ना परपेंडिकुलर आ रही हैं ना कॉन्सिडेंट आ रही हैं, सही पैरल यहाँ पर नहीं होता, यहाँ कॉन्सेप्ट पैरल का नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट कॉन्सिडेंट का है। तो ये इक्वेशन 2x² माइनस 16xy, ये जो इक्वेशन है ये परपेंडिकुलर नहीं है, कॉन्सिडेंट नहीं है, तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरल या नॉर कॉन्सिडेंट इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप ये बात क्लियर है, इसके फर्दर क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली क्लिप्स में हम आपको कराते हैं। थैंक यू।